हेलो अरिजीत यांश, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आज हम बात करेंगे अरिजीत दा के आने वाले अपकमिंग सॉन्ग के बारे में। एंड ये सॉन्ग 2022 के होंगे एंड इनमें से एक या दो आप 2023 में भी हो सकते हैं। सो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं एंड आपको बताते हैं कि अगले साल यानी कि इस साल कौन कौन से सॉन्ग अरिजीत दादा के आने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो, एंड वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एक सॉन्ग बताया गया है एंड ये सॉन्ग एक मूवी होने वाली है जिस मूवी का टाइटल होने वाला पृथ्वीराज। सॉन्ग का टाइटल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, टू बी अनाउंस्ड। इसके अलावा सिंगर की बात करें तो अरिजीत दादा का इसमें एक सॉन्ग बताया गया है विद हायर चांस। फुल्ली कंफर्म नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हायर चांस के साथ यहाँ पर अरिजीत दादा का सॉन्ग बताया जा रहा है। म्यूजिक यहाँ पर आप जानते हैं शंकर ईशान लोय ने इस सॉन्ग के जो सॉन्ग है, इस मूवी के जो सॉन्ग है उन्होंने कंपोज किया है। एंड लिरिक्स यहाँ पर वरुण ग्रोवर के द्वारा इस सॉन्ग को लिखा गया है। लेवल YRF होने वाला है। एंड रिलीज डेट की बात करूँ तो ये मूवी आपको 21 जनवरी को देखने को मिलेगी। 21 जनवरी को ये मूवी रिलीज होगी। इसके अलावा जो अगली न्यूज है, उस अगली न्यूज में मैं आपको बताना चाहूँ तो गाइस जो अगली न्यूज है उसमें एक सॉन्ग बताया गया है जिस सॉन्ग के बारे में हम काफी टाइम से सुन रहे हैं। वैसे सॉन्ग का टाइटल अभी ऑब्वियसली रूप से कन्फर्म नहीं है, लेकिन सॉन्ग का टाइटल यहाँ पर तेरा नाम धोखा बताया गया है एंड सिंगर अरिजीत सिंह होने वाले हैं। एंड यहाँ पर कास्ट यहाँ पर आपको बताइए खुशाली कुमार एंड पार्थ समाथन कास्ट के रूप में आपको नजर आएंगे। म्यूजिक यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मिथुन दादा ने इस सॉन्ग कंपोज किया है। एंड लेबल आपको बताया टीसीज होने वाला है। एंड बात करें रिलीज डेट की तो गाइस जहाँ तक मुझे लगता है, किसी ने बता नहीं है, मुझे लगता है ये कि यह सॉन्ग आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है। कन्फर्म नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद आपको ये सॉन्ग जनवरी में देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगले सॉन्ग की बात करूं तो एक मूवी आने वाली है 28 जनवरी को, जिस मूवी का टाइटल होने वाला है अटैक, जो कि जॉन अब्राहम की नई मूवी होने वाली है। इसमें सॉन्ग का टाइटल अभी कंफर्म नहीं है। इसमें सिंगर्स की बात करूं तो इसमें जैन नाम का एक सिंगर है जिसे आप जानते हैं एंड वो अभी फुली रूप से कन्फर्म है, लेकिन अरिजीत दादा अभी 50% यहाँ पर चांस मिल रहा है कि अरिजीत दादा का सॉन्ग हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जैन कन्फर्म है ये आप भी जानते हैं। एंड म्यूजिक यहाँ पर ससदेव ने सॉन्ग म्यूजिक दिया है। एंड लिरिक्स यहाँ पर कुमार ने सॉन्ग को लिखा है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। एंड रिलीज डेट की बात करूं तो 28 जनवरी को ये मूवी रिलीज होगी। इससे अगली जो मूवी है उस मूवी का नाम होने वाला है गंगूबाई काठियावाड़ी। सॉन्ग का टाइटल अभी नहीं पता, टू बी अनाउंस। सिंगर यहाँ पर अरिजीत दादा होने वाले हैं। म्यूजिक यहाँ पर संजय लीला बंसारी ने दिया है। एंड लिरिक्स यहाँ पर AM तुराज ने सॉन्ग को लिखा है। एंड ये मूवी 18 फरवरी को रिलीज होगी गाइस। 18 फरवरी को ये मूवी रिलीज होगी। एंड ये वही ट्रियो है जिन्होंने बिनते दिल गाना बनाया था, ठीक है, आप बता सकते हैं एंड देख भी सकते हैं, ठीक है। सो चलिए हम अगली अपडेट बताते हैं आपको। अगली जो मूवी है वो मूवी बच्चन पांडे, जो कि अक्षय कुमार की नई मूवी आएगी। सॉन्ग का टाइटल कंफर्म नहीं है। सिंगर यहाँ पर अरिजीत दादा बताए गए हैं एंड एक पूरी तरह से सॉन्ग कंफर्म हो चुका है। हालांकि म्यूजिक एंड लिरिक्स ये मैंने अपनी तरह से जोड़े हैं अपनी तरफ से, क्योंकि यही लगता है इसमें ये सब होने वाला है, क्योंकि बहुत काफी लंबे टाइम पहले एक न्यूज भी आई थी कि अरिजीत दादा का फिर से एक सॉन्ग आएगा आफ्टर पछताओगे के बाद बीपराग एंड जानी के साथ। तो मुझे लगता है शायद यही वो सॉन्ग होगा एंड इसी मूवी से होने वाला है। सो देखते हैं, सॉन्ग तो कन्फर्म है लेकिन यहाँ पर म्यूजिक में भी बीपराग एंड लिरिक्स जानी होने वाले हैं। एंड इसके अलावा इस मूवी की मैं आपको रिलीज डेट के बारे में बताऊं तो ये 4 मार्च को ये मूवी रिलीज हो गया है, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली रूप से कंफर्म है कि 4 मार्च को या फिर जितने भी अपडेट मैंने आपको पीछे दी हैं मूवी रिलीज होगी। अब वो अगर किसी और किसी कारण से अगर पोस्टपोन हो जाती हैं तो फिर तो आप जानते हैं उसमें तो हमारा कुछ आस नहीं है, वो तो फिर अगलों ने किया है, ठीक है। तो अगली मूवी है, उस मूवी का टाइटल होना है शमशेरा। एंड शमशेरा में अरिजीत सिंह के 2 या 3 सॉन्ग बताए गए हैं। एक सॉन्ग का टाइटल अभी कंफर्म हुआ है, जिस सॉन्ग का टाइटल होने वाला है हम सफर। एंड इसके अलावा और भी सॉन्ग है। सिंगर यहाँ पर अरिजीत दादा होंगे। म्यूजिक यहाँ पर मिथुन दादा ने सॉन्ग को कंपोज किया है। एंड लिरिक्स यहाँ पर अमिताभ भट्टाचार्य जी ने सॉन्ग को लिखा है। बात करें मूवी की रिलीज डेट की तो गाइज तो ये मूवी आपको 18 मार्च को देखने को मिल जाएगी। 18 मार्च को ये मूवी रिलीज होगी। फिर से बता रहा हूँ, इसमें 2 या 3 सॉन्ग अरिजीत दादा के बताए गए हैं इस मूवी में। एंड इसके अलावा जो अगली अपडेट है
तो गाइज अगली अपडेट मैं आपको बताऊँ तो अगली अपडेट भूल भुलैया 2 मूवी से होने वाली है, जो कि कार्तिक आर्यन की नई मूवी आएगी। एंड इस मूवी के सॉन्ग का टाइटल भी कन्फर्म नहीं है, सिंगर यहाँ पर अजीत दादा होने वाले हैं, म्यूजिक प्रीतम दादा ने दिया है, लिरिक्स यहाँ पर अमिताभ भट्टाचार्य ने सॉन्ग को लिखा है। इस सॉन्ग का नहीं बल्कि इसमें जितने भी सॉन्ग होंगे सभी को अमिताभ ने ही भट्टाचार्य ने लिखा है, ठीक है। रिलीज की बात करूँ तो 25 मार्च को ये मूवी रिलीज होगी, तो सॉन्ग तो आपको पता ही पहले आपको देखने को मिल जाएंगे 25 मार्च से। अगली मूवी की बात करें तो अगली मूवी का नेम होने वाला है लाल सिंह चड्ढा। एंड इस मूवी में जो सॉन्ग होंगे उसमें एक सॉन्ग का नाइन जो टाइटल है कुछ हद तक कन्फर्म हुआ है, जिस सॉन्ग का टाइटल है जुगनू। एंड इसके अलावा कुछ और सॉन्ग है, इसमें दो सॉन्ग तो कन्फर्म है, सिंगर यहाँ पर अजीत दादा होने वाले हैं, म्यूजिक प्रीतम दादा ने दिया है, लिरिक्स यहाँ पर अमिताभ भट्टाचार्य जी के होने वाले हैं। बात करें रिलीज डेट की तो 14 अप्रैल को ये मूवी रिलीज होगी, आज 14 अप्रैल को। तो गाइस अगली जो अपडेट है, अगली अपडेट हीरोपंती 2 मूवी से होने वाली है, सॉन्ग का टाइटल अभी कन्फर्म नहीं है, 2 भी अनाउंस्ड, ये अभी अनाउंस्ड किया जाएगा क्या नहीं है। सिंगर यहाँ पर अजीत दादा होने वाले हैं एंड म्यूजिक यहाँ पर AR रहमान ने इस सॉन्ग को लिखा, सॉरी कंपोज किया है, लिरिक्स अभी पता नहीं है। रिलीज डेट की बताऊं तो ये मूवी आपको 6 मई को देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज एक मूवी है अजय देवगन की जो कि आने वाली है, जिस मूवी का टाइटल होने वाला है मैदान, एंड यहाँ पर सिंगर अजीत दा होंगे एंड सॉन्ग का टाइटल अभी कन्फर्म नहीं है, म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है जिसे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, जानते हैं। लिरिक्स यहाँ पर अमिताभ भट्टाचार्य के होने वाले हैं। बात करूँ रिलीज डेट की तो ये मूवी आपको 3 जून को देखने को मिल जाएगी, 3 जून को ये मूवी रिलीज होगी। इसके अलावा अगली अपडेट की बात करूँ गाइज तो एक मूवी आने वाली है एक विलन रिटर्न्स, जिसे आप एक विलन 2 कह सकते हैं, सॉन्ग यहाँ पर कंफर्म नहीं है, सिंगर की बात करूँ तो अजीत दादा होने वाले हैं, एंड इसमें जो म्यूजिक एंड लिरिक्स होने वाला है वो दोनों मिथुन दादा ने लिखा है। एंड मिथुन दादा जब लिरिक्स लिखते हैं तो आपको बताइए जैसे कि तुम ही हो, इसके अलावा अभी जो हाल ही में आया आशिकी आ गई, ठीक है, एंड और भी काफी ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है, मिथुन दादा बहुत अच्छे सॉन्ग लिखते हैं गाइस, ये बात तो मैंने पता चल गई। एंड रिलीज डेट की बात करूँ तो 8 जुलाई को ये मूवी रिलीज हुई गाइस, 8 जुलाई को। अगली मूवी की बात करूँ गाइस अगली मूवी जो होने वाली उसमें का टाइटल होगा ब्रह्मास्त्र, सॉन्ग का टाइटल अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, हालांकि सॉन्ग के टाइटल कुछ अलग अलग नाम से निकल के आ रहे हैं, जैसे कुछ इस एंड कुछ और भी टाइटल है, इसके आगे कुछ और भी नाम है, मुझे शायद ध्यान नहीं है, एंड और भी कुछ टाइटल हैं, सो देखते हैं गाइस, टाइटल अलग अलग हैं एंड वो टाइटल के नेम भी उस क्लिप के माध्यम से लिए गए हैं जो कि 2 या 3 जो लीक हुई थी उनके द्वारा, लेकिन सॉन्ग का टाइटल से हमें क्या करना, हमें सिंगर से मतलब है, हमारे अजीत दादा होने चाहिए, म्यूजिक यहाँ पर प्रीतम दादा ने दिया है, लिरिक्स यहाँ पर अमिताभ भट्टाचार्य के होने वाले हैं। एंड रिलीज की बात करूँ तो ये आपको पता है 9 सितंबर को रिलीज हो ये मूवी, मैंने आपको पहले ही बताया था जो कि मोशन पोस्टर आया था उस टाइम, ठीक है। सो अगली न्यूज है, अगली न्यूज होने वाली है शहजादा मूवी से, शहजादा मूवी सॉन्ग का टाइटल भी कन्फर्म नहीं है। बात करूँ सिंगर की तो अजीत दादा ने इसमें सॉन्ग गाया है, म्यूजिक यहाँ पर प्रीतम ने दिया है। रिलीज डेट की बात करूँ 4 नवंबर को, हाँ गाइस 4 नवंबर को ये मूवी रिलीज होगी। इसके अलावा गाइस आगे बात करूँ तो आगे एक मूवी आने वाली है भेड़िया, इसमें सॉन्ग का टाइटल कन्फर्म नहीं है, सिंगर अजीत दादा, म्यूजिक सचिन जिंगर, लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के होने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है। तो अगर एक या दो सॉन्ग जिस मूवी से ना आए हमने बताया तो ऐसा ना कहें कि सॉन्ग आने वाला था, ये पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसे लीक सामने निकल कर आ जाती हैं जिसे देना फिर पड़ता ही है हमें। एंड लिरिक्स यहाँ पर अमिताभ भट्टाचार्य के होने वाले हैं। रिलीज डेट गाइस 25 नवंबर को ये मूवी रिलीज होगी, हालांकि देखते हैं अजीत दादा के कितने सॉन्ग होने वाले हैं इस मूवी में। इसके अलावा अगली मूवी है वो टाइगर श्रॉफ की होने वाली है गणपत, मूवी का टाइटल सॉरी सॉन्ग का टाइटल कन्फर्म नहीं है, एंड यहाँ पर सिंगर अजीत दादा होने वाले हैं, म्यूजिक यहाँ पर मिथुन ने लिरिक्स मिथुन ने लिखे हैं। रिलीज डेट गाइस 23 सितंबर को ये मूवी रिलीज होगी। एंड गाइस इसके अलावा अगली अपडेट के बारे में बात करूँ तो एक सॉन्ग आने वाला मोहब्बत अजीत सिंह का एंड जैन खान का, वो भी नहीं आया है, यहाँ पर लिरिक्स होने वाले हैं लियाकत जफरी के, रिलीज डेट 2022 बताई गई है, पता नहीं कब आएगा, कौन से महीने में आएगा, सो इसका भी वेट रहेगा। इस अगली जो अपडेट है वो गाइस सॉन्ग से है जिसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी थी, हालांकि कमिंग सून ही बता रहे थे लेकिन अब तक नहीं आया, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको 2022 में देखने को मिलेगा। सिंगर अजीत दादा होंगे, म्यूजिक यहाँ पर सनी अमार ने दिया है, लिरिक्स यहाँ पर सोल के लाल एंड लेबल यहाँ पर आपको बताइए ओरियन म्यूजिक बाई अरिजीत सिंह के द्वारा होने वाले हैं। रिलीज डेट 2022 गाइस। इसके अलावा एक मूवी और आएगी खुदा हाफिज 2, सॉन्ग का टाइटल कन्फर्म नहीं है, म्यूजिक यहाँ पर
इस मूवी प्रीतम ने दिया है एंड लिरिक्स इरशाद कामिल के होने वाले हैं। सिंगर आपको बताइए अरिजीत दादा का सॉन्ग कन्फर्म है यहाँ पर। रिलीज डेट गाइस 2022 होने वाली है, हालांकि महीना नहीं पता कि किस मंथ ये रिलीज होगी। अगली जो मूवी है वो बैड बॉय होने वाली है। सॉन्ग यहाँ पर आपको बताइए काफी टाइम से जानते हैं, तेरा हुआ सॉन्ग होने वाला है। सिंगर अरिजीत दादा, म्यूजिक हिमेश रेशमिया एंड लेवल यहाँ पर जी म्यूजिक कंपनी बताया गया है। रिलीज डेट गाइस 2022 को ये मूवी आपको देखने को मिलेगी। अगली जो मूवी है उसमें का टाइटल है गदर 2। सॉन्ग का टाइटल कंफर्म नहीं है। सिंगर यहाँ पर अरिजीत दादा होने वाले हैं एंड म्यूजिक एंड लिरिक्स दोनों मिथुन दादा ने दिए हैं। रिलीज डेट गाइस 2022। अगली जो मूवी है वो जेले जरा है। सॉन्ग का टाइटल कंफर्म नहीं है। सिंगर अरिजीत दादा होने वाले हैं। इस मूवी का जो सॉन्ग है उनका कंपोज किया शंकर ईशान लोय ने एंड लिरिक्स यहाँ पर जावेद अख्तर के होने वाले हैं एंड ये मूवी 2022 को देखने को मिलेगी आपको। इसके अलावा एक मूवी और आने वाली है फ्रीडी, जिसका म्यूजिक प्रीतम ने दिया है एंड लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के होने वाले हैं एंड सिंगर यहाँ पर अरिजीत दादा होंगे। तो इस मूवी को भी 2022 में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा एक मूवी और है गाइस लव राजन। सॉन्ग का टाइटल कन्फर्म नहीं है। सिंगर अरिजीत दादा होंगे, म्यूजिक प्रीतम ने दिया है एंड लिरिक्स यहाँ पर अमिताभ भट्टाचार्य। तो गाइस ये मूवी 2023 को रिलीज होगी। गाइस 2022 में ये मूवी रिलीज नहीं होगी। इसके अलावा एक मूवी और है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसका म्यूजिक दिया है प्रीतम दादा ने, लिरिक्स लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने एंड ये मूवी 10 फरवरी को रिलीज होगी 2023 को। तो इस मूवी में जो सॉन्ग होंगे उनमें अरिजीत दादा होने वाले हैं। तो गाइस जो अगली न्यूज है, जैसे कि आप जानते हैं रांझना पार्ट 2 नहीं आया, जो सॉन्ग था उसका जिसमें सिंगर अरिजीत दादा थे, तो ये भी शायद 2022 में आएगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। म्यूजिक यहाँ पर असद खान ने दिया था, लिरिक्स यहाँ पर रकीब आलम ने इस सॉन्ग को लिखा था एंड लेबल आपको बताइए लेबल वही होगा जी म्यूजिक कंपनी। तो गाइस जो अगली अपडेट है वो बिने बादल दिनेश से है। एक बंगाली सॉन्ग आएगा वो 2022 में आएगा। अभी सिंगर अरिजीत दादा होंगे, म्यूजिक एंड लिरिक्स यहाँ पर सौम्या हिट ने लिखा है एंड लेबल यहाँ पर KSS म्यूजिक होने वाला है एंड रिलीजेड 2022। अगली जो मूवी है वो मनप जोगी हुई गाइस, जिसमें टोटल सॉन्ग मैंने आपको पहले ही बताए थे एंड फिर बता रहा हूँ, जिसमें से सिंगर्स होंगे अरिजीत एंड सलिया, जिन्होंने 2 सॉन्ग आए हैं लिरिक्स यहाँ पर सरी जट्टो ने लिखे हैं एंड ये मूवी आपको 2022 में देखने को मिलेगी। सो गाइज ये अपडेट थी अरिजीत सिंह के आने वाले 2022 में सॉन्ग। हालांकि कुछ और भी आ सकते हैं एक्स्ट्रा, कुछ सिंगल आ सकता है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, आने पर आपको जरूर बताऊंगा। सो वीडियो में इतना ही था एंड